हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। आज हम करने वाले हैं क्लास सेकंड का यूनिट 5 में से पोएम ज़ूमेनर्स की क्वेश्चन आंसर। इस पोएम का ट्रांसलेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। व्हाट डू यू सी एट द ज़ू? आप ज़ू में क्या देखते हो, क्या दिखाई देता है आपको ज़ू में? आप हमेशा जाती रहती हो ना, कई बार देखा है आपने, हमें बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देती हैं, बर्ड्स दिखाई देती हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? वी सी मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम ज़ू में अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स और एनिमल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? कैमल की बैक पर क्या होता है, क्या दिखाई देता है? आपने देखा ना, इस तरह का एक हम्प बना होता है, उभरा पार्ट होता है कैमल का, है ना? तो इसे हम बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं? हम्प। तो आंसर क्या होगा? द कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल का उसकी बैक पर एक हम्प होता है। हम्प मीन्स कूबर, उभरा हुआ पार्ट जो होता है कैमल का। ओके, नेक्स्ट देखिए, हैव यू बीन टू अ ज़ू? क्या कभी आप ज़ू में गए हो? अगर आप गए हो तो आप आंसर में क्या लिखोगे? येस, आई हैव बीन टू अ ज़ू, मैं ज़ू में गया हूँ। अगर आप नहीं गए तो आप इसका आंसर नो में दोगे, नो आई हैव नॉट बीन टू अ ज़ू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेम द एनिमल्स विच यू हैव बीन सीन इन अ ज़ू। उन एनिमल्स के नेम बताने हैं जो आप ज़ू में देखते हो। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज। उन एनिमल्स के नेम हमें अपनी लैंग्वेज में बताने हैं और देन हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है? तो हम ज़ू में क्या देखते हैं? शेर, चीता, हाथी, भालू, बंदर, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। तो आपको कैसे लिखना है? शेर मीन्स लॉयन, चीता टाइगर, हाथी एलिफेंट, भालू बियर, बंदर मंकी। तो इस तरह से आप और भी नेम राइट कर सकते हो, एटसेट्रा डाल दो। तो और भी कई तरह के जैसे एनिमल होते हैं ना, सिर्फ ये तो नहीं मिलते हमें, काफ़ी तरह के एनिमल्स मिलते हैं, तो आप एटसेट्रा डाल सकते हो आगे। नेक्स्ट देखिए, नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। उन एनिमल्स के नेम बतानी है जिसको तुम बहुत ज़्यादा लाइक करते हो और आपको रीज़न भी देना है कि क्यों आपको वो एनिमल क्यों पसंद है, क्यों अच्छा लगता है। आंसर देखिए, आई लाइक द लेपर्ड, मैं लेपर्ड पसंद करता हूँ। बिकॉज इट इज़ क्विक एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ही क्विक होता है, फुर्तीला होता है और बहुत ही ताकतवर होता है। लेपर्ड मीन्स क्या होता है? तेंदुआ। ओके, तो इस तरह से आपको भी अगर कोई एनिमल अच्छा लगता है तो आप उसका नेम भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लॉयन ला सकते हो, आप मंकी लिख सकते हो, आप एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखो, आपको ज़ेब्रा, आई लाइक ज़ेब्रा, मैं ज़ेब्रा पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? बिकॉज इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, क्योंकि इसकी बॉडी पर जो है वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, उससे आपको वो बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है? आप और भी लिख सकते हो, आई लाइक जिराफ, मुझे जिराफ पसंद है। बिकॉज इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, क्योंकि उसकी बहुत ही लंबी गर्दन होती है। आई लाइक एलिफेंट, मुझे एलिफेंट पसंद है, ठीक है? तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको एनिमल अच्छा लगता है, इस तरह से आप उसका आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द ज़ू? क्या आपने किसी एनिमल को फीड किया है ज़ू में? और शुड वी टीज एनिमल, क्या हमें एनिमल को टीज करना चाहिए, तकलीफ देनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा? देखो, आप कभी भी ज़ू में जाते हो तो ये नेचुरल है, आप उनको एनिमल्स को फीड करोगे ही ना। तो क्या होगा? येस, आई फीड एनिमल्स एट द ज़ू। हाँ, मैं ज़ू में एनिमल्स को फीड करता हूँ। फीड मतलब खाना खिलाना, कुछ भी मतलब उनको खिलाना, ठीक है? और देखो नेक्स्ट क्या था, शुड वी टीज एनिमल्स, क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से हमें तकलीफ होती है, सेम उसी तरह से ही एनिमल्स को भी तकलीफ होती है ना? तो क्या आंसर होगा? नो, वी शुडंट टीज एनिमल्स, नहीं, हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। क्लियर।
तो चलो आगे बढ़ते हैं. लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज. आपको उन उन वर्ड्स पे टिक करना है जो टीचर आपको बोलते हैं. आपने टीचर्स के मुंह से सुने होंगे, है ना, जैसे कि इट, थिंक, फन, मच, वेल, एच, थैंक, फैन, मैच, वेल. आपको इनमें से जो भी वर्ड टीचर्स के मुंह से आप सुने हैं तो आप उनको सामने टिक कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं सी अलाउड, इनको आपको पढ़ना है. बी यू एम पी बम, एच यू एम पी हम. हम क्या होता है आपको बताया था, जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उनका उभरा हुआ पार्ट, कुबड़ हिंदी में कहते हैं. डी यू एम पी डम, फिर से बोलो. बी यू एम पी बम, एच यू एम पी हम, डी यू एम पी डम, बम, हम, डम. सी आर ओ डब्ल्यू डी काउच, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़. क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो. सी एल ओ यू डी क्लाउड, क्राउड मीन्स क्या होता है, बादल. क्लाउड, क्लाउड मीन्स क्या होता है, पंजे. दिख रहे होंगे ना आपको पैर, यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं क्लाउड. एन वाई एस ई नोइस, नोइस मीन्स शोर करना. अब बच्चे जैसे क्लास में शोर करते हैं. प्राइज, पी आर आई जेड ई प्राइज. एस आई जेड ई साइज, पाइज, फ्राइज. बम, हम, डम. क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो. नॉइस, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज. नेक्स्ट है, द एलिफेंट्स वॉक्स लाइक दिस इन दैट. एलिफेंट कभी इस तरह से चलता है, कभी उस तरह से चलता है. इज सो टॉल, बहुत ही लंबा होता है. एंड सो फैट, और बहुत ही मोटा भी. ही हैज नो फिंगर्स, इसकी फिंगर्स नहीं होती. ही हैज सम टोज, इसके कुछ टोज होते हैं. दिख रहे हैं ना आपको. बट ओ माय गुडनेस, व्हाट अ बिग नोज. और कहते हैं कि लेकिन क्या है कि इसकी बहुत बड़ी ही एक नाक होती है ना, एक जिसको हम ट्रंक बोलते हैं. अब क्या कहता है कि मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट. आपको दिस और दैट वर्ड का यूज कर कर कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बैट, दिस इज अ बॉल, दैट आर माय बुक्स, दैट आर योर बुक्स. इस तरह से आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे. अ विजिट टू माय विलेज, मेरे विलेज की एक यात्रा. यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको ऑप्शन ये चूज करके इनमें फिल करनी है. साथ में देखो आपको हिंट भी दे रखा है, साथ साथ सेंटेंस के साथ साथ एक हिंट भी दिया हुआ है, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा. क्लियर. देखिए, इन जून वी वेंट टू अ डैश. जून में हम गए कहाँ, विलेज, इन अ विलेज, एक गाँव में. Where my dash lives, जहाँ पर मेरी जो है ग्रैंड मदर रहती है. She has a farm, उनका एक फार्म है. On her farm there are many animals, उनके फार्म में बहुत सारे एनिमल्स हैं. कौन कौन से हैं, देखिए. There are two horses, वहाँ पर two horses हैं. A cat, एक कैट है. विद इट्स किटन, अपने किटन के साथ जो रहती है. किटन मीन्स कैट के बेबी, यानी कि बिल्ली के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, किटन. थ्री डॉग्स, थ्री डॉग हैं. वन हैन, एक मुर्गी है. एज वेल एज अ कॉक, और साथ साथ क्या है, एक कॉक भी वहाँ रहता है. एंड अ काओ, एक काओ है. एवरी मॉर्निंग शी फेड्स हर एनिमल्स विद हे, प्रत्येक सुबह वह अपने एनिमल्स को क्या खिलाती है, खाने में क्या देती है, हे, मतलब घास देती है. और मिल्क, और क्या देती है, मिल्क देती है. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और वो पानी कहाँ से पीते हैं, पॉन्ड से, तालाब से. ऑन द फार्म, जो फार्म पर बना हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट पढ़िए. नेक्स्ट है कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये पिक्चर देखो और इन ब्लैंक्स को फिल करो. दिस इज अ, क्या है, एक
ये बी है. बी मीन्स मधुमक्खी. इट हैज लाइंस ऑन इट्स विंग्स. इसके विंग्स पर लाइंस होती हैं. इट हैज टू एंटीनाज. इसके टू एंटीनाज हैं. एंटीनाज दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो ये बने हुए हैं. ठीक है, तो इसके दो एंटीनाज होते हैं. इट बजेज राउंड द फ्लावर्स. और ये बज करती है. बज मीन्स जो बी का साउंड होता है, आवाज को बज कहते हैं. इट बजेज राउंड द फ्लावर्स और ये फ्लावर्स के चारों तरफ बज करती है, आवाज करती है. इट बज्ड एंड बज्ड. ये बज बज साउंड करती रहती है एंड केम टू द जू. उसके बाद जू में आ जाती है. ओके, नेक्स्ट में क्या है कि आपको ये बी दिख रही है, इसको आप क्या करना है, इनकी हाइव तक पहुंचाना है, मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचाना है. बहुत इजी है. इस तरह से आप उसको करके यहाँ हाइव तक पहुंचा सकते हो. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको पिक्चर देखनी है और ब्लैंक्स को फिल करना है. देखो ये क्या है, लॉइन है ना, तो क्या स्पेलिंग होगी, एल आई ओ एन, लॉयन. ये वुल्फ है, सॉरी ये क्या है, वुल्फ. ओके, तो क्या होगा, डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ. दिस इज जैकल, तो क्या होगा, जे ए सी के ए एल, जैकल. एम ओ एन के ई वाई क्या होगा, मंकी. क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये मंकी है ना, मंकी बैठा है, तो इसकी क्या स्पेलिंग होगी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी. दिस इज चिंपैंजी, तो क्या स्पेलिंग होगी इनकी, सी एच आई एम चिम पी ए एन पेन जेड डबल ई जी, चिंपैंजी. क्या बना, चिंपैंजी. फिर से देखिए, सी एच आई एम चिम पी ए एन पेन जेड डबल ई जी, चिंपैंजी. बड़ी बड़ी स्पेलिंग को आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके बना के कर सकते हो. नेक्स्ट है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिराफ है ना, जी आई आर ए डबल एफ ई, तो क्या बन गया, जिराफ. दिस इज टाइगर, तो क्या होगा, टी आई जी ई आर टाइगर. दिस इज डियर, तो क्या होगा, डी डब्ल ई आर डियर. दिस इज आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल. बियर, बी ई ए आर बियर. ठीक, तो इस तरह से आप इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इन एनिमल्स की पिक्चर को देख के इन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्लियर, तो स्टूडेंट्स ये है यूनिट 5 पोएम के क्वेश्चन आंसर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ. थैंक यू.